हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के जो टिप्स है, जो घरेलू ट्रिक्स है, हैक्स है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एक ही काम से हमारी बहुत सारी मल्टीपल काम हो जाएगी और मेहनत भी बचेगी, सामान भी बचेगी और कम समय में हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और इसे ही फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते देख लेते हैं आज के यूजफुल टिप्स। पहला टिप्स चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्लास्टिक वाली कटोरी ले आई, जो भी प्लास्टिक वाली कटोरी आप इस्तेमाल ना करते हो। तो चलिए यहाँ पे हम घर पे जो टूथपेस्ट रखते हैं, जो दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट होता है, जो हम लोग सुबह सुबह दांत साफ करते हैं, तो वही पेस्ट हम लेते हैं। जेल वाले पेस्ट बिल्कुल नहीं लेंगे और दूसरी वाली जो व्हाइट कलर की पेस्ट है और ये ब्राउन कलर है, कुछ भी वो हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा पेस्ट लीजिए, क्योंकि आज हम ज्यादा काम करने वाले हैं, मतलब बहुत ही काम एक ही काम में हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो टॉयलेट क्लीनर होती है हार्पिक सॉल्यूशन, इसको भी इसके अंदर डालते हैं और थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद देखिए इसमें अच्छी वाली रिएक्शन होने लगी और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि ये पेस्ट और हार्पिक और पानी एक दूसरे के साथ मिल जाए। मिलने के बाद देखिए कितनी अच्छी सॉल्यूशन हमारी मिल गई। तो चलिए इसको हम क्या क्या काम में आज हम इस्तेमाल करने वाले है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो वॉशरूम की, बहुत सारे घरों में वॉशरूम की बकेट जो बाल्टी होती है ना, इस तरह से गंदगी हो जाती है। इसके नीचे जो देखिए ये आयरन की दाग लग जाती है, खारा पानी जो होता है वो दाग लगती है, वो बहुत ही गंदगी हो जाती है। बाल्टी यूज करने के लायक नहीं होती है, अच्छा नहीं होता है। तो चलिए वो नया वाली बकेट होता है, लेकिन इस तरह से पानी की वजह से हमारे घर पे होती है। तो चलिए आज हम इस तरह से एक ही सॉल्यूशन बनाते हैं और बहुत सारे काम एक ही सॉल्यूशन में आज हमारी बन जाएगी। तो क्या करेंगे हम, इस बाल्टी में कुछ नहीं करना है, इसको हम डाल के इस तरह से फैला के इसको देखिए, इस तरह से हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही मैजिकली काम होती है ये सॉल्यूशन से। तो इसको रख के छोड़ देते हैं, 15 से 20 मिनट छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद देखिए बाल्टी कितनी अच्छे से क्लीन हो गई। वो धीरे धीरे वो सॉल्यूशन है ना, वो सारे जो खरा दाग है, वो जंग की दाग है, उसको खा जाती है। धीरे धीरे खा के वो ऑटोमेटिकली एक जगह इकट्ठा हो जाती है। आपको कुछ करना नहीं है, बीच बीच में सिर्फ हिलाना है। हिलाओगी तो देखिए ये हार्पिक की इतनी स्ट्रांग जो कैपेसिटी होती है क्लीनिंग की, और टूथपेस्ट, ये दोनों मिलके ना जितना भी खारा हो उस खारे को निकाल देते हैं। और उसके बाद हम थोड़ी सी ब्रश वगैरह, चूना वगैरह लगा देंगे, इससे कि हमारी जो बहुत ही गंदगी हो, बकेट होती है, मग होती है, टब होती है, वॉशरूम में, बहुत सारे घर में वॉशरूम में ऐसे होती है जिस जगह पे पानी खराब है। मेरा भी पानी खराब है, मेरा हालत भी ऐसी होती है, बहुत ही गंदगी हो जाती है हर हफ्ते। इस तरह से इसी टेक्निक से मुझे साफ करनी पड़ती है, जो कि मेहनत कम लगती है और एक ही सॉल्यूशन से मेरी बहुत सारे काम बन जाती है। तो देखिए बार बार हमें वो सर्फ वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हार्पिक की ये एक सॉल्यूशन काफी होता है, हार्पिक और टूथपेस्ट की। इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारे एक हफ्ते में हमारी जो ये चीजें हैं, एक एक टाइम पे हम साफ कर लेंगे। और देखिए कितने अच्छे से हमारी जो गंदगी हो गई थी बाल्टी में, देखिए बकेट कितना नया है, लेकिन इसके अंदर जो गंदगी बैठी थी वो बहुत ही पुराना दिख रहा है, यानी कि हमारी बाल्टी यूज करने की इच्छा नहीं हो रही थी। इसी तरह से हम 15 दिन में, नहीं तो एक हफ्ते में, आपको जैसी सुविधा मिलती है इस तरह से साफ कर लीजिए और बहुत सारे मेहनत को बचा लीजिए। दूसरी वाली टिप्स, घर पे हमारे खाने के लिए हम आलू इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे सब्जी में। तो चलिए आज मैं एक आलू को काट के इस तरह से दो टुकड़े में ले ली। आप चाहे तो इसको ग्राइंड करके उसका रस भी निकाल सकते हैं, काम भी हो जाएगा। तो हमारी जो गाड़ी वगैरह होती है, हमारी टू व्हीलर होती है, फोर व्हीलर होती है, उसकी जो मिरर वगैरह और हैंडल वगैरह और ऊपर जो स्क्रैचेस हो जाती है, बॉडी में स्क्रैचेस हो जाती है, कलर फेड जैसे दिखती है और बहुत ही जिद्दी दाग लग जाते हैं, छोड़ती नहीं, इस तरह से आलू की मदद से हम इस सबको साफ कर लेंगे। जो हमारी स्क्रैच वगैरह हो जाती है, दूसरी चीजों में साफ करते हैं। आलू में जो स्टार्च होती है, वही स्टार्च से ना बहुत अच्छी साफ होती है, स्पेशली गाड़ी की हेडलाइट, मिरर और गाड़ी की बॉडी, कुछ भी हो ना, हम इसे आलू से हम अच्छे से साफ कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स। हमारी वही सॉल्यूशन हमने बनाए रखा था और मेरे देखिए वॉशरूम की मग कितनी गंदगी दिख रही है, यानी कि हमारे पानी ना बहुत ही खराब पानी होता है, तो बहुत ही तकलीफ लगती है। तो बीच बीच में हम एक ही सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन बनाएंगे और उसी सॉल्यूशन से मग को भी ऐसे ही साफ कर लेंगे। ये जो मग में देखिए कितना फंगस वाली, जो हमारी ग्रीन कलर की फंगस जो होती है, वो दाग लग गई है। वो जब भी मग पकड़ते इच्छा नहीं होता इसको पकड़ने के लिए, हर हफ्ते ये इस तरह से बैठ जाती है। तो इस तरह से सॉल्यूशन से मेरा काम बन जाता है। सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं डाला है, दो चीज से, तीन चीज से वो बन जाएगी।
तो नमक वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कम पड़ रहा है ये सोल्यूशन तो आप थोड़ा नमक डाल सकते हैं, नमक से भी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन ज्यादा सामान की जरूरत ही नहीं है, इसी में काफी क्लीनिंग हमारी हो जाएगी। तो इस तरह से मग को हम साफ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्या है कि कोने कोने तक पहुंचता नहीं है हमारी ये सोल्यूशन, तो ब्रश की मदद से ये कोने कोने तक पहुंच जाएगी और साफ बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से करके हम रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स वही क्लीनिंग को लेकर है। ये हमारी हर घर में देखे होंगे ये जो बेसिन होता है, हैंड बेसिन होता है, इस जगह पे बहुत ही जो होती है बहुत ही कचरा फैला रहता है, जैसे कि इस तरह से गंदगी होती है। मेरे घर पे तो होती है केवल पानी की वजह से, तो एक ही सोल्यूशन हम क्यों ना करें और इस तरह से ये बेसिन को भी साफ कर ले। तो वही सोल्यूशन को लेके जिस जगह पे खरा दाग है उसी पे डाल देते हैं। 10-15 मिनट बाद ये बेसिन भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से हम इसको तुरंत साफ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, चारों तरफ फैला के डाल के इसको छोड़ देंगे, ये धीरे धीरे अपनी जो जिद्दी दाग को है खा लेगा। खाने के बाद इस तरह से ब्रश से, नहीं तो आप जूना से, नहीं तो आप सॉक से, पुरानी वाली जो सॉक्स होती है उसी सॉक से आप इसको साफ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ज्यादा घिसना रगड़ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही सोल्यूशन से हमारी मेहनत बहुत ही बच जाती है। तो कैसा लगा आज का टिप्स पूरा क्लीनिंग को लेकर है। हर घर में क्लीनिंग बहुत ही जरूरी होती है, छोटे छोटे काम पे हम जो क्लीनिंग का काम होता है बहुत ही सर दुखने वाला काम होता है। एक ही काम एक ही स्मार्टनेस दिखाएंगे, एक ही सोल्यूशन बनाएंगे और उससे बहुत सारे चीजों का क्लीनिंग हमारी बन जाएगी। आई होप आज की वीडियो, आज की जो हैक्स है, लाइफ हैक्स है, आपको पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और प्यार देते रहिए और घर को इस तरह से एक एक सोल्यूशन से अपने घर को क्लीनिंग करके समय और सामान सब कुछ बचा लीजिए। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वाले अच्छे वाले टिप्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।